हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटा भरवा शिमला मिर्च। बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच राई का तेल, आप चाहें तो मीठा तेल भी डाल सकते हैं। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आधी छोटी चम्मच जीरा और सौंफ को मैंने भून के उसे दरदरा पीस लिया है। कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कटी हुई लहसुन, दो बड़ी कलियाँ मैंने कट कर ली हैं। अब ऐड करेंगे एक कटी हरी मिर्च, दो पिंच हम डालेंगे हींग, गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, तो 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून, मिक्स कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मैंने गैस को बंद रखा है। और अब मैं इसमें डालूंगी दो उबले और मैश किए हुए आलू, अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू को मिक्स करने के बाद मैं इसमें कटे हुए हरे धनिया डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करके मैं इसे प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। स्टफिंग रेडी करने के बाद अब मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च। आप देख रहे हैं, मैंने शिमला मिर्च को इस तरह से कट कर लिया है। एक मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। शिमला मिर्च को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हमें ऊपर का पार्ट है वो उसे कट कर लेना है। इसके अंदर का पार्ट हमें निकाल लेना है। इसके बाद मैं इसे बीच में से कट कर लूंगी, लेकिन ये छोटा है इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। मैंने बड़े लिए थे, बड़े को मैंने दो साइज में कट कर लिया है। इसके बाद मैं लूंगी एक चम्मच राई का तेल, आप चाहे तो मीठा तेल ले सकते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक, और जो हमारा शिमला मिर्च हमने कट किया है इसके अंदर हम इसे लगा देंगे। इससे हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी और पकने में इसे बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लेंगे स्टफिंग, और स्टफिंग को हम शिमला मिर्च में भरेंगे। इस तरह से सभी को भर लेंगे। शिमला मिर्च को मैंने आलू से भर लिया है, तो चलिए अब मैं इसे पका लूंगी। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी तेल, आज मैं राई का ही तेल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो मीठा डाल सकते हैं। और ये नमक वाला तेल भी इसमें डाल दूंगी। तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हमें शिमला मिर्च को इसमें रखना है पकने के लिए, तो जिस तरफ आलू दिख रहा है उस तरफ हम इसे डाल देंगे। फ्लेम को हम लो पे ही रखेंगे। दो से तीन मिनट के बाद इसे मैं पलटती रहूंगी, इसे मैं ढक दूंगी। भरवा शिमला मिर्च बनके तैयार है। एक बार मैं इसमें नाइफ डाल के चेक करूंगी। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल के मैं गर्मा गर्म सर्व करूंगी। तो आपने देखा, भरवा शिमला मिर्च बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी पराठा पूरी के साथ, बहुत ही अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई करें, इस वे से आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।